हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चलेंगे चंडीगढ़ से हमीरपुर, लेकिन पुराने रास्ते से नहीं बल्कि नए 4 लेन के रास्ते से। जैसा कि आप में से अधिकतर लोग जानते होंगे कि चंडीगढ़ मनाली रोड को 4 लेन बनाया जा रहा है और इसका पहला फेज़ कीरतपुर से नेर चौक अब आम ट्रैफिक के लिए भी खोल दिया है। इस नए हाईवे के लिए ऊंचे पहाड़ों के बीच से कई टनल्स बनाई गई हैं, जिससे न केवल दूरी कम हुई है, साथ ही साथ ट्रैवल टाइम में भी बड़ा अंतर आया है और सफ़र भी काफ़ी सुहाना हो गया है। चंडीगढ़ मनाली हाईवे के 4 लेन बन जाने से बिलासपुर मंडी और कुल्लू मनाली के अलावा हमीरपुर और सरकाघाट रीजन को भी सीधा सीधा फायदा पहुँचा है। हमीरपुर से चंडीगढ़ रूट की बात करें तो पहले वाया ऊना आना ही सबसे सही ऑप्शन था, जिसमें औसतन 6 घंटे तो लग ही जाते थे, लेकिन अब 4 लेन से होते हुए ये दूरी 3-3.5 घंटों में तय हो पा रही है। ऐसे में HRTC हमीरपुर डिपो द्वारा वाया ऊना चलने वाली कई बसेस के रूट्स अब वाया घुमारवीं भगेड़ से होते हुए डाइवर्ट कर दिए गए हैं और आज हम HRTC हमीरपुर डिपो की हिमधारा AC बस से चंडीगढ़ से हमीरपुर जा रहे हैं। HRTC की 2 AC बसेज हमीरपुर से चंडीगढ़ रूट पर चलती हैं, जिनमें से एक बस सुबह 4:45 बजे हमीरपुर से चलती है और यहां चंडीगढ़ में सुबह करीब 8 बजे पहुंच जाती है। दूसरी बस सुबह 6 बजे हमीरपुर से चलकर करीब 9 बजे यहां चंडीगढ़ में पहुंच जाती है। चंडीगढ़ से वापसी चलने का समय दोपहर 12:05 और 3 बजे का है। मैं दोपहर 12:05 वाली बस से हमीरपुर जाऊँगा, जो कि करीब 4 बजे हमीरपुर पहुँच जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सफर। आज दिन है 16 नवंबर और मैं हूं चंडीगढ़ ISBT 43 में। बस यहां आगे खड़ी हुई है। ये बस सुबह 4:45 बजे हमीरपुर से चलकर यहां करीब 8:15 बजे पहुंच जाती है। पहले भी ये बस हमीरपुर से 4:45 बजे ही चलती थी, लेकिन वाया ऊना आने में इसे 5 घंटे तो लग ही जाते थे और यहाँ 9:30-10 बजे तक पहुँच पाती थी, लेकिन अब 4 लेन के रास्ते से ये बस काफ़ी जल्दी यहाँ पर पहुँच जाती है। अभी बस के चलने में कुछ समय बाकी है, तब तक HRTC की इस हिमधारा बस का एक इंट्रो हो जाए। ये हिमधारा AC बसेस साल 2022 में HRTC फ्लीट में शामिल की गई थी। इनमें 2x3 कॉन्फिग्रेशन में 52 सीट्स हैं। बस पूरी तरह वातानुकूलित हैं और इनमें कर्टन्स भी लगा दिए गए हैं। सामान रखने के लिए इनमें ओवरहेड लगेज कैरियर्स हैं, जबकि बड़ा सामान रखने के लिए बस में पीछे अलग से लगेज बॉक्स दिया गया है। और बड़ी बात ये कि इन AC बसेस का किराया ऑर्डिनरी बसेस जितना ही है, यानी आप साधारण किराए में AC का मज़ा भी ले सकते हैं। एक्चुअली मेरा कल फ़ोन चोरी हो गया हमसे ना, तो साहब मेरे को कर रहे थे, लेकिन एड्रेस को किया उन्होंने फ़ोन। अब टाइम करीब 11:30 हो गए हैं और ड्राइवर श्री विनोद कुमार जी भी आ गए हैं। अब बस पीछे काउंटर पर जाकर लग जाएगी। साथ में यहां पर दिल्ली जोगिंदर नगर और शिमला चुवाड़ी बसेस भी खड़ी हैं। चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश जाने के लिए एक बेस स्टेशन है। यहाँ से हिमाचल प्रदेश के लगभग हर क्षेत्र के लिए बस चलती है और HRTC की बसें यहाँ से 24 घंटे उपलब्ध रहती हैं। यहाँ बस स्टैंड में HRTC का ऑफिस है, जहाँ से आप अपनी एडवांस टिकट्स भी बुक करवा सकते हैं। इसके अलावा HRTC की अधिकतर बसेज आप HRTC की ऑफिशियल वेबसाइट से भी बुक कर सकते हैं। ये चंडीगढ़ मनाली वॉल्वो बस भी यहाँ से निकल रही है। इसका यहाँ से चलने का टाइम 12 बजे का है।
साथ में ये CTU की AC, नॉन AC और इलेक्ट्रिक बसेस भी यहाँ से निकल रही हैं। और अब हमारी बस का भी यहाँ से चलने का समय हो गया है। हमारी बस आज के लिए पूरी बुक है। जल्दी ही फिर ड्राइवर साहब आ गए और अब बस अपने सफ़र पर निकलने के लिए तैयार है। इसके बाद फिर ठीक 12:05 पर हमारी बस चंडीगढ़ से हमीरपुर के सफ़र पर निकल गई। चंडीगढ़ से चलकर हम रूपनगर, कीरतपुर साहिब, भगेड़, घुमारवीं और भोटा से होते हुए हमीरपुर पहुंचेंगे। करीब 165 किलोमीटर लंबे इस सफ़र का किराया है ₹345 और ट्रैवल टाइम 3.5 से 4 घंटे। खरड़ से आगे फिर नेशनल हाईवे 205 शुरू हो जाता है, जो कि कीरतपुर, नौणी व दाड़ला घाट से होते हुए शिमला तक है। ये नेशनल हाईवे NH05 की ब्रांच है, जो कि खरड़ में NH5 से शुरू होकर शिमला में वापस NH5 में मिल जाता है। हमारी बस आज के लिए पूरी फुल है और कंडक्टर जसपाल भाई सबको वॉमिटिंग बैग दे रहे हैं, क्योंकि आगे पहाड़ी रास्ता शुरू हो जाएगा तो कई यात्रियों को ऐसी दिक्कत आ जाती है। HRTC के हमीरपुर डिपो में 3 हिमधारा AC बसेस हैं, जिनमें से 2 बसेस चंडीगढ़ का अप डाउन रूट लगाती हैं, जबकि तीसरी बस हमीरपुर अमृतसर अप डाउन रूट पर चलती है। पहले जब ये बसेस नई नई हमीरपुर डिपो में आई थी, तब इन्हें हमीरपुर से दिल्ली रूट पर चलाया गया था, लेकिन बाद में फिर चंडीगढ़ रूट पर चला दिया गया। अभी ये बसेस हमीरपुर डिपो को अच्छी अर्निंग दे रही हैं। जब ये बसेस हमीरपुर से दिल्ली रूट पर चलती थी, तब भी हमने इस पर एक व्लॉग बनाया था, जिसे आप देखना चाहो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रूपनगर से थोड़ा आगे फिर इस दुर्गा हाईवे ढाबा पर हमारी बस रुक गई लंच के लिए। अभी टाइम करीब 1:15 हो रहे हैं और इस वक्त खाने का टाइम भी है।
यहाँ पर अब एक ब्रेक होगा और इसके बाद बस सीधे हमीरपुर जाकर ही रुकेगी। यहाँ पर ये चंडीगढ़ मनाली वोल्वो भी खाने के लिए रुकी है, जो कि हमसे 5 मिनट पहले यानी 12 बजे चंडीगढ़ से निकली थी। यहाँ पर फिर मैंने बस के स्टाफ के साथ बैठकर ही खाना खाया। इधर ये कुल्लू डिपो के स्टाफ मेंबर्स भी खाना खा रहे हैं। हमारी बस यहाँ पर सिर्फ 15-20 मिनट के लिए ही रुकी। जब हम पहुँचे तो खाना तैयार ही था और अब खाकर बस निकलने ही वाले हैं। इधर ये पालमपुर डिपो की दिल्ली पालमपुर वोल्वो भी यहाँ पर आ गई है। यहाँ पर भरपेट खाना खाने के बाद फिर हम आगे चल पड़े। हमारी ये 12:05 वाली हिमधारा बस यहाँ लंच के लिए रुकती है, पर जो बस 3 बजे चंडीगढ़ से चलकर आएगी वो नॉनस्टॉप ही जाती है, यानी उसका चंडीगढ़ से हमीरपुर के बीच कोई हाल्ट नहीं होता। इसके बाद हम पहुंच गए कीरतपुर साहिब और यहीं से हमीरपुर जाने के लिए अब नया रास्ता शुरू होगा। वरना पहले ये बसेस वाया ऊना होते हुए हमीरपुर जाती थी, लेकिन अब नए 4 लेन से होते हुए जाएंगी। अभी यहां टाइम करीब 1:45 हो रहे हैं, देखते हैं हमीरपुर कितने बजे पहुंचते हैं। चंडीगढ़ मनाली वोल्वो यहाँ हमसे आगे निकल गए। चंडीगढ़ से मनाली तक पहले जहाँ 9-10 घंटे लगते थे, वहीं अब 4 लेन से ये ट्रैवल टाइम घटकर 7-8 घंटे का रह गया है। अभी जब मंडी से ओट का 4 लेन कंप्लीट हो जाएगा तब ये ट्रैवल टाइम और भी कम होगा। कीरतपुर से थोड़ा आगे जाकर फिर इस हाईवे का पहला टोल बैरियर आ जाता है। कीरतपुर से मनाली के बीच ऐसे 4 टोल प्लाजा बने हैं। ये गरामोड़ा का टोल प्लाजा पार करने के बाद फिर शुरू हो जाते हैं पहाड़ी रास्ते और हिमाचल प्रदेश की सीमा भी। अभी आगे का सारा रास्ता पहाड़ी रीजन में बना है। चढ़ाई और मोड़ हैं तो यहाँ लोडी ट्रक से 5 लेने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, और फिर साथ ही यहाँ पर हिमाचल प्रदेश एंट्री का अलग से टोल टैक्स बैरियर भी आता है।
कीरतपुर से 14 किलोमीटर आगे फिर हम पहुंचते हैं कैंची मोड़ और यहां आती है इस हाईवे की पहली टनल। कीरतपुर से बिलासपुर या आगे मंडी कुल्लू जाने के लिए पहले यहां से स्वारघाट होते हुए बिलासपुर पहुंचना पड़ता था और उस डबल लेन हाईवे से इतने ट्रैफिक में जाना काफ़ी मुश्किल होता था, लेकिन अब इस टनल के माध्यम से घंटों का सफ़र मिनटों में तय हो जाता है। ये टनल नंबर एक 1800 मीटर लंबी है और अभी इसकी एक साइड ही खोली गई है, दूसरी टनल का काम अभी चल रहा है। जल्दी ही फिर दूसरी ओर हम टनल से बाहर निकल गए और इस तरफ पहुंच जाते हैं गोविंद सागर झील के किनारे। HRTC द्वारा पहले बिलासपुर से कीरतपुर की ओर जाने के लिए वाया स्वारघाट ही बसेस चलाई जाती थी, लेकिन अब लंबी दूरी की अधिकतर बसेस को इस फोर लेन के रास्ते से होकर चलाया जा रहा है। हालांकि स्वारघाट के उस पुराने रूट की कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए कुछ एक बसेस के रूट्स वहां से भी चल रहे हैं। जल्दी ही फिर आ जाती है टनल नंबर 2। इस पहले फेज यानी कीरतपुर से नेरचौक के बीच 5 टनल्स बनी हैं, जिनमें से टनल नंबर 1 ही फोर लेन है और बाकी 4 टनल सिंगल ट्यूब ही हैं। आने वाले समय में इनके समांतर एक और टनल बनाई जा सकती है। साथ में यहाँ बाईं ओर गोविंद सागर रिजर्वायर भी है। पहले ये सारा रीजन पिछड़ा हुआ होता था, मतलब यहाँ पहुँचने के लिए वही सिंगल लेन पतली सड़कें थी, लेकिन अब यहाँ पर फोर लेन बन गया है तो इन गांवों को अच्छी कनेक्टिविटी मिल गई है और सारा ट्रैफिक इन चौड़ी सड़कों से फराटे भरता हुआ जाता है। और इसके बाद आ जाती है टनल नंबर 3 और जैसा कि हमने बताया कि 2 से 5 नंबर की टनल सिंगल ट्यूब ही है। टनल नंबर 3 पार करने के बाद फिर सामने दिखाई देने लगता है मंडी भराड़ी का पुल और झील के उस पार है बिलासपुर शहर। इस भराड़ी चौक से राइट की ओर बिलासपुर व शिमला के लिए रास्ता जाता है, जबकि मनाली मंडी व हमीरपुर के लिए यहां से लेफ्ट की ओर मुड़ना है। और लेफ्ट मुड़ते ही मंडी भराड़ी पुल पार करना है। बरसात के बाद आजकल गोविंद सागर झील में लबालब पानी भरा हुआ है, लेकिन अभी आने वाले दिनों में ये पानी कम होता जाएगा। ये हमीरपुर जाने वाली बसेस ही हैं जो बिना बिलासपुर गए सीधा यहाँ से निकल जाती हैं, वरना मंडी लाइन की अधिकतर बसेस अभी भी बिलासपुर जाकर फिर बरमाना के पास फोर लेन में मिलती हैं।
ये नया फोर लेन झील के इस पार से बनाया गया है और बिलासपुर शहर उस पार रह जाता है। झंडुत्ता विधानसभा क्षेत्र का ये हिस्सा पहले गोविंद सागर झील से घिरा होने की वजह से पिछड़ा हुआ था, क्योंकि यहाँ पर पुलों का अभाव था, लेकिन अब ये फोर लेन यहाँ से होकर बन गया है। दूसरा बागछाल पुल व नंदग्राम पुल भी बनकर तैयार हो रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ की कनेक्टिविटी और मजबूत हो जाएगी। इसके बाद फिर कुछ ही मिनटों में आ जाता है भगेड़ चौक, जहां से हमें ये चंडीगढ़ मनाली फोर लेन छोड़कर घुमारवीं की ओर मुड़ना है। ये सीधा हाईवे आगे डहर होते हुए सुंदरनगर की ओर निकल जाता है। यहां से अब हम NH 103 पर आ गए हैं, जो कि ब्रह्मपुखर से घागस घुमारवीं होते हुए हमीरपुर तक है। भगेड़ के बाद फिर कुछ ही मिनटों में हम पहुंच गए घुमारवीं। यहां से राइट की तरफ जाहू व सरका घाट के लिए अलग रोड जाता है। घुमारवीं जिला बिलासपुर का एक बड़ा शहर है और अब तो यहां की मार्केट बिलासपुर से भी बड़ी लगती है। फोर लेन की वजह से घुमारवीं में भीड़ एकाएक बढ़ गई है और ट्रैफिक की समस्या भी गंभीर होती जा रही है। अभी टाइम 2:45 हो रहे हैं, यानी चंडीगढ़ से यहां तक हमें बस 2 घंटे 40 मिनट लगे। इस बीच 15-20 मिनट लंच के लिए भी रुके थे, तो आप देख रहे हैं कि ट्रैवल टाइम में कितना बड़ा अंतर आ गया है। वरना घुमारवीं से पहले बिलासपुर व स्वारघाट होते हुए चंडीगढ़ पहुंचने में करीब 4.5-5 घंटे लग जाते थे। अभी इस शिमला कांगड़ा रोड को भी फोर लेन बनाने का काम शुरू हो गया है, जिसमें कांगड़ा से ज्वालाजी स्ट्रेच का काम प्रगति पर है। आने वाले समय में ये रोड भी फोर लेन बन जाएगा, तो ज्वालाजी, हमीरपुर व घुमारवीं जैसे बड़े शहर बाईपास हो जाएंगे, जिससे इन शहरों में बढ़ रही ट्रैफिक समस्या का निवारण हो पाएगा।
करीब 3:30 बजे हमारी बस पहुंच गई भोटा। आगे से ये चंबा शिमला सुपरफास्ट बस आ रही है और इस बस पर भी हमने एक जर्नी ब्लॉग बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भोटा की सवारियां यहीं पर उतर गई तो बस सीधे हमीरपुर की ओर निकल गई, वरना भोटा का बस स्टॉप यहां से लेफ्ट में अंदर को जाकर है। हमारे उस्ताद विनोद जी का पिछले कल चंडीगढ़ में फ़ोन चोरी हो गया तो वही बातें कर रहे हैं। वो वहाँ बस पार करके बस में ही सोए थे और सीट पर उनका फ़ोन पड़ा था, लेकिन कब किसने चुरा लिया कोई पता नहीं चला। तो सभी बस चालकों को अपने सामान का विशेष ध्यान रखना चाहिए और उनका फ़ोन चोरी भी दिन के समय हुआ था। और हमीरपुर में तो जाम आम सी बात है। यहाँ पर बाईपास बना हुआ है लेकिन फिर भी यहाँ ट्रैफिक की काफ़ी गंभीर समस्या है। तो 12:05 पर चंडीगढ़ से चलकर हम 3:55 पर पहुंच गए हमीरपुर, यानी 3:50 में। निश्चित तौर पर ये एक बड़ा फ़ायदा है कि इतने कम समय में आप हमीरपुर पहुंच सकते हैं। और बड़ी बात, अब इस सफ़र में थकान भी बिल्कुल नहीं होती, वरना वाया बड़सर महरे वाले रोड से तीखे मोड़ होने की वजह से सफ़र थकान भरा हो जाता था। ठीक है सर, फिर धन्यवाद, बहुत बहुत बस जी, शुक्रिया। दो हिमधारा बसेस के अलावा और कई बसेस के रूट भी अब 4 लेन से कर दिए गए हैं, जिनके टाइम टेबल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा महरे बड़सर रीजन की कनेक्टिविटी के लिए कुछ रूट्स वहां से भी चल रहे हैं। वाया ऊना चलने वाली बसेस के टाइम टेबल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा चंडीगढ़ से हमीरपुर का सफ़र इस नए रास्ते से। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जल्दी मिलते हैं आपसे किसी नए सफ़र पर। धन्यवाद।